हेलो, मैं आशीष भाई स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट दी जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पर चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, जो छोटी छोटी सूचनाएँ हैं वहाँ पर अपडेट हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे न्यूज़ के बारे में जो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है और डेली इस चीज़ को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे कि मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएँ होंगी, कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में 6 भर्ती परीक्षा कराएगा। 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा के अंतर्गत प्रोग्रामर ग्रेड 2 की परीक्षा प्रस्तावित है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पुरुष या महिला 2020 की मुख्य परीक्षा 13 मार्च जबकि 15 मार्च को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 होनी है। 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 शेष विषय सम्मिलित राज्य प्रवक्ता अधीनस्थ सेवा PCS 2021 का मुख्य परीक्षा 23 मार्च से है। उसके बाद की जो खबर है, 28 को 3 परिणाम देगा SSC। 3 परिणाम जारी करेगा 28 तारीख को। कौन कौन से? एक तो SSC MTS का, ठीक है, एक SSC CHSL 2019 स्किल टेस्ट का और स्टाफ और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर 2021-2020 एग्जाम टीयर 2 परिणाम घोषित करेगा। 10 मार्च को एक्सटर्नल ग्रेड सी और डी 2019 का स्किल टेस्ट जारी होगा। सिविल सेवा में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग के लिए छात्र लखनऊ में धरना दिया। प्रतियोगी की तैयारी कर छात्रों का प्रदर्शन आज। राजधानी में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों ने रविवार को मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रतियोगी छात्रा की तैयारी कर रहे बबीता सिंह ने बताया कि COVID-19 और उपजी स्थिति को देखते हुए सब कुछ बंद था, ऐसे में जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनमें भी 2 साल की छूट दी जाए। कोविड के कारण जो विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे, ठीक है, उनको एक और मौका दिया जाना चाहिए, जिनसे कहा जाए कि छात्रों की मांग के लिए 15 दिन के अंदर किसी प्रतियोगी परीक्षा की आंसर की जारी की जाए और मुख्य परीक्षा की कॉपी छात्रों को दिखाई जाए। यही चीज है, दो अतिरिक्त अवसर के लिए छात्र अड़े हैं। प्रयागराज और सब विधायकों और सांसदों की सिफारिश काम नहीं आई और भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देख सकते हैं। इसकी पूरी कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। EWS से रिलेटेड एक न्यूज है कि EWS के सभी छात्रों को प्रवेश देना होगा, सभी सीटों पर प्रवेश देना होगा, ठीक है। ये स्कूली मामला है, तो एक छोटा सा अपडेट था तो आपके लिए है। सबसे बड़ी बात यह कि हाई कोर्ट में नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठग लिए 1,37,00,000 की ठगी। यहाँ देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कचहरी में विभिन्न पदों की नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट और NSNIT के पूर्व कर्मचारी कथित जज की फोटो, गोपनीय कागजात और अभ्यर्थियों की MR शीट दिखाकर युवकों को झांसा देकर ठगी गई है। लाखों रुपए देने के बाद भी नौकरी न मिलने पर सदमे में एक व्यक्ति ने जान जा चुकी है। IG के निर्देशों में केंट में 11 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों का रेट है, महाप्रबंधन पद के लिए 50,00,000, प्रशासनिक अधिकारी के लिए 40,00,000, समीक्षा अधिकारी के लिए 25,00,000, अनुभाग अधिकारी के लिए 20,00,000, लिपिक पद के लिए 10,00,000। किसने कितना रुपए दिया? कृष्ण प्रताप सिंह ने 40,00,000 रुपए दिए, यानी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे। विकास सिंह ने 20,00,000, सुनील सिंह 8.5 लाख, योगेंद्र सिंह 40,00,000 और संजय सिंह 29,00,000। ये सारी चीज़ें अपडेट है, तो ये सब के झांसे में ना पड़े कि पैसा देकर नौकरी के नाम पे ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती हैं, ये चीज़ों से बचेंगे। होप करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। डेली सुबह कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही अपडेट दिया जाए। बाय बाय, थैंक यू।